दोस्तों हर हाल में बचें डिप्रेशन से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में, जिसमें हम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों डिप्रेशन यानी कि मनोअवसाद आधुनिक समाज में एक बहुप्रचलित मानसिक रोग की श्रेणी में आता है। संभवतः समय के साथ बढ़ते घरेलू विवाद, आपसी मतभेद, कार्य की व्यस्तता, दूसरों से आगे निकलने की होड़, अपने मनोअनुकूल कार्य का ना होना, दफ्तर में अपने से ऊपर बैठे अधिकारी द्वारा तिरस्कृत किया जाना, बढ़ते तनाव व गलत संगत की वजह से किसी नशे का आदी हो जाना, बदलते समय के अनुरूप अपनी सोच में बदलाव न लाना, लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित रहना तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण अपने अंदर की प्रतिभा और क्षमता को नजरअंदाज कर अपने आप को दूसरों से हीन समझना डिप्रेशन का मुख्य कारण है। बड़े तो बड़े बच्चे इस रोग का शिकार हो रहे हैं। पढ़ाई का ज्यादा बोझ, घर पर होमवर्क का टेंशन, माता पिता द्वारा बच्चे को स्कूल में कम अंक मिलने पर डांटना, बच्चों को अपनी रुचि अनुरूप कार्य करने से रोकना इसके मुख्य कारण है। कारण अनेक पर बीमारी एक यानी कि मनोअवसाद। इससे ग्रसित व्यक्ति में ऊर्जा और उत्साह की कमी, कार्य के प्रति विमुखता, भूख या नींद में कमी, जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, शरीर के वजन में कमी होना, शरीर में थकान, कहीं भी दर्द का होना, एकाग्रता की कमी, मन में आत्महत्या की भावना पनपना इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। कई बार शारीरिक लक्षण मानसिक लक्षणों की अपेक्षा ज्यादा प्रबल होते हैं। दोस्तों आधुनिक शास्त्र डिप्रेशन का कारण मस्तिष्क में सीरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन तथा डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर की कमी मानता है। अतः न्यूरोट्रांसमीटर की सामान्य मात्रा को बनाए रखने वाली औषधियां जैसे कि ट्राईसाइक्लिक वर्क या स्पेसिफिक सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर वर्ग की दवाइयां मुख्य रूप से दी जाती हैं। इनके अपने फायदे और नुकसान हैं। जहां तक आयुर्वेद दृष्टिकोण की बात है, डिप्रेशन मुख्य रूप से वात दोष की अधिकता से होने वाला रोग है। इसके लिए विभिन्न चिकित्सा विकल्प उपलब्ध हैं, जो प्रभावी होने के साथ साथ हानि रहित भी है। औषधियों के अंतर्गत एंद्री, शंख पुष्पी, वचा, जटामासी, सर्पगंधा, अश्वगंधा, अभ्रक भस्म, सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी घृत, सारस्वत चूर्ण, बृहतवान, चिंतामणि रस आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा शिरोधारा और नस्य का भी विधान है, जिसके अंतर्गत औषधि क्वाथ को सिर पर तथा नाक में डाला जाता है। साथ ही साथ मरीज से इन बातों का पालन भी कराना होता है। खाली रहने की स्थिति में फालतू ना बैठें। उस समय अपनी रुचि का कोई कार्य, किसी पत्रिका या फिर किताब का वाचन करें तथा अपने मित्रों के साथ किसी बौद्धिक विषय पर वार्तालाप करें। सामने वाले व्यक्ति की जो बात अच्छी ना लगे उसे नजरअंदाज कर दें। रोज प्रातःकाल अनुलोम विलोम, प्राणायाम और ईश्वर का ध्यान करें। अपनी गलतियों पर दुख करने की बजाय आगे से वो ना हो इसके लिए कटिबद्ध रहें। ये मानकर चलें कि विषम परिस्थितियां जीवन का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों ये थी जुड़ी हुई बातें अवसाद के साथ यानी कि डिप्रेशन। अगर ध्यान दिया जाए तो हम अपने आप को डिप्रेशन से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से कोई नई जानकारी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।